अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोटा सा कारकुन, एक सिपाही, आप लोगों से मुहद्दबाना गुजारिश करने आया हूँ, एक अपील करने आया हूँ कि 18 तारीख को बिहार की सरजमी किशनगंज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट होना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट अख्तरुल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो आप लोगों से यही अपील करने आया हूं कि आप लोगों को, जितने भी आप लोगों के रिश्तेदार या भाई जो भी बाहर रहते हैं, उन सब से कहिए कि वो किशनगंज जाए, और जो किशनगंज में रहते हैं आपके रिश्तेदार, वो उनको फ़ोन करिए कि अख्तरुल ईमान साहब को वोट करे। पतंग का निशान है, अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस लड़ाई के लिए उन्हें चुना, अल्लाह ने चाहा तो ये जंग फतेह होगी और अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल में कामयाब होंगे। लेकिन इससे पहले हमें दुआ करना है और अख्तरुल ईमान साहब को भारी अक्सरियत से वोट दिलाना है। ये जब होगा, जब हम और आप मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, वोटों की अपील करेंगे, तब जाकर सीमांचल की लड़ाई अख्तरुल ईमान साहब जीतेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अवाम की मोहब्बत सीमांचल के अंदर, किशनगंज लोकसभा के अंदर अवाम की मोहब्बत अख्तरुल ईमान साहब के साथ हैं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस मोहब्बतों को 18 तारीख तक बरकरार रखे। और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल की सरजमी पर एक इनकलाब बरपा कर गए हैं, उस इनकलाब को ये लोग वोटों में तब्दील कर दे और आने वाली 23 मई को रिजल्ट है, अल्लाह ने चाहा तो रोज़े का रोज़ा 17वां रोज़ा है और अख्तरुल ईमान साहब के साथ ही जश्न मनेगा ईद का। आप लोग लोकसभा में भेजेंगे उन्हें, तो एक तो ईद, ऊपर से दोहरी खुशी कि एक शेर, एक बेबाक आवाज़ अख्तरुल ईमान साहब लोकसभा में जाएंगे और सीमांचल के मजलूम, पिछड़े, दलितों की, मुसलमानों की, मजलूमों की आवाज़ बनेंगे और सीमांचल की उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और आपको मालूम है कि अख्तरुल ईमान साहब आज से नहीं, कई सालों से सीमांचल के लिए मेहनत कर रहे हैं। आर्टिकल 371 को लेकर भी वो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, क्योंकि उन्हें आवाम की खिदमत करनी है और आप लोग उन्हें खिदमत करने का मौका दें। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों से कहिए, अपील करिए कि अख्तरुल ईमान साहब को 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत के साथ वोट दिलाना है। और जो सर्वे बता रहा है कि अख्तरुल ईमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं, और आप लोगों की दुआएं भी हैं, जो मोहब्बतें उन्हें मिल रही हैं, इन मोहब्बतों को उन मोहब्बतों को 18 तारीख तक कायम रखना है। आपसे यही अपील करने आया हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को फ़ोन करिए, अपने लोगों को बताइए, अपने लोगों को बताइए कि 18 तारीख को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करें और उन्हें लोकसभा में भेजें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें ताकि वो लोकसभा में जाकर, ये दो मर्दे मुजाहिद और औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब लड़ रहे हैं, आप लोग उनके लिए भी दुआ करिए। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में भी मजलिस एक इनकलाब बरपा करने जा रही है, 3 मर्दे मुजाहिद लोकसभा में जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो हम मजलूम मुसलमानों की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ बनेंगे और हिंदुस्तान के तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे। इन्हीं बातों से अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूं कि आप लोग दुआ करते रहिए, 18 तारीख को अख्तरुल ईमान साहब के लिए वोट करवाइए, फ़ोन करिए, और जो किशनगंज में आवाम देख रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को बताइए कि अख्तरुल ईमान साहब अल्लाह ने चाहा तो कामयाब हो रहे हैं और पतंग का निशान है, जुबान पर एक ही आवाज़ रखिए कि पतंग का निशान और अख्तरुल ईमान। अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।